और साध्वी यौन शोषण मामले में जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम के असली होने पर सवाल उठे हैं। 17 जून को एक महीने की पैरोल पर बाहर आए गुरमीत राम रहीम के नकली होने का बड़ा दावा किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जेल में जो बंद बाबा था, सुनारिया जेल में, रोहतक की सुनारिया जेल में बंद बाबा और जो पैरोल पर बाहर आए हैं बाबा, ये असली नहीं है। राम रहीम के नकली होने का बड़ा दावा किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इसको लेकर एक याचिका लगाई गई है, जिसमें जेल से बाहर आए गुरमीत राम रहीम जो उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम में रह रहे हैं, उनकी जांच की मांग की गई है। चंडीगढ़ के रहने वाले डेरे श्रद्धालु अशोक कुमार और कुछ अन्य लोगों ने दावा किया है कि जेल से पैरोल पर बाहर आए गुरमीत राम रहीम असली नहीं है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है, जिसमें राम रहीम की जांच की मांग की गई है। और इसमें यह कहा गया है कि जो पहले के हाव भाव थे बाबा के, वो इन वाले बाबा में नजर नहीं आ रहे। पिटीशन दायर करने वाले चंडीगढ़ के अलावा पंचकुला और अंबाला के रहने वाले हैं। और एक वीडियो कुछ दिन पहले गुरमीत राम रहीम का आया भी था, जिसमें वो कह रहे थे कि जब मुझको जेल लाया गया तो जेल के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो चौंक गए, उनको लगा कि बाबा असली नहीं है। तो पिटीशन लगाने वाले क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। और पिटीशन लगाने वाले जो कह रहे हैं कि बाबा नकली, उनकी बाइट सुनाते हैं आपको, उनका बयान। और फिर इसके अलावा हमने बात की थी डेरे के प्रवक्ता, उन्होंने क्या दावा किया, उनकी बात आपको सुनाते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव स्टैंड क्लियर है कि जो शख्स बरनावा उत्तर प्रदेश में पिताजी के लिबास में है, भी वो पहले तो 99.9% हम सोच रहे थे, तो लगभग अब 100% हम सोच रहे हैं, अभी हमारे को ऑलमोस्ट यकीन है भी ये व्यक्ति हजूर पिताजी नहीं है, ये कोई और है। क्योंकि इसका स्वभाव, इसका व्यवहार, इसकी चाल ढाल सब कुछ अलग है। इसके अंदर वो रूहानी ताकत नहीं है जो रूहों को खींचती है, वो प्रेम नहीं है इसके चेहरे में जो रूहों, जो लोगों में आपसी प्यार बढ़ाए, वो खुशी नहीं है अभी जो दर्शन करके वो खुशी, मतलब जैसे पुराना सत्संग भी देख लेंगे तो वो भी आत्मा को शांति देता है, कोई पुराना सत्संग भी अगर सुन लें, लेकिन नए वीडियो सुन रहे हैं वो शांति नहीं दे रहा है, बेचैनी पैदा कर रहे हैं। और कई बार तो कल वाला तो बोर ज़्यादा करने लगे, बहुत ज़्यादा बोर हो गए सुन के। पूरी मजबूती के साथ जवाब देने में सक्षम है कि यही बाबा हैं, असली बाबा हैं। बिल्कुल 100% पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी 30 दिन की पैरोल अवधि के दौरान बरनावा यूपी आश्रम में ही आए हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत को ये कहना भी चाहेंगे, आपने किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी प्रकार की अफवाह में नहीं आना है। और जो ये शरारती तत्वों द्वारा ऐसा किया जा रहा है, किसी के हाथ की कठपुतली बनकर साजिश रची जा रही है, प्रशासन से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो इस मामले की जांच करवा कर और उन पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए जो इस प्रकार की गहरी साजिशें रच रहे हैं।